आशय, यहां से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वे बहादुर साथी मेरे भाई जयप्रकाश जी और पूर्व सांसद व पूर्व विधायक भाई सुशील इंदौरा जी, पूर्व विधायक भाई रणधीर जी और सम्मानित मंच उपस्थित कलायत हल्के के आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो भाई जो आज जिन्होंने दूसरी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी से शकुंतला जी और भाई दीप जी इनेलो पार्टी से, मैं और उससे जो सारे साथी आए हैं उनका कांग्रेस पार्टी में समृद्ध होने पर स्वागत करता हूं। और सुशील इंदौरा जी ने तो सारी अपनी पार्टी मिला दी थी हमारी पार्टी में अभी दो दिन पहले, तो उनका भी स्वागत करता हूं। बात तो आप सबको मालूम है कि आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं किस लिए, 21 तारीख को चुनाव होना है और चुनाव फैसला करेगा कि आगे हरियाणा में किसकी सरकार बने और किस डायरेक्शन में चलेगी सरकार, ये आज 21 तारीख को फैसला होगा। देखिए, सरकारें बनती हैं, लोग देखते हैं, फिर सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। मेरे को भी मौका मिला 10 साल इस प्रदेश की सेवा करने का और भाई जयप्रकाश जी ने डट के साथ दिया हमारा, मैं आभारी हूं इनका और मैं पूरे कलायत हल्के का बहुत शुक्रगुजार हूं जो पिछली बार इतनी भारी मतों से आपने यहां से जिता के भेजा और उस वजह से जयप्रकाश ने कलायत का, पूरी कलायत का झंडा ऊंचा रखा, चाहे विधानसभा हो चाहे बार हो, हर बात हर पहलू पर आपके विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए आपके पूरी लड़ाई इसने लड़ी। ऐसा बहादुर विधायक कभी कभी मिलता है। खैर, मैं कह रहा था कि 10 साल मेरे को भी मौका मिला और मैंने पूरा प्रयास किया और 10 साल में आपको याद होगा किसान भी, मजदूर भी, गरीब आदमी भी, शेड्यूल कास्ट दलित भी, कर्मचारी भी, सारे खुश थे। किसान को अच्छा भाव मिलता था। आप बताओ भाई, हमारे टाइम में जीरी का क्या भाव था? जीरी कड़ा चढ़ गई थी, आज में अरीब जीरी कड़ा गई भाई, जीरी तो वाई है ना, फर्क ये उस टाइम मैं था, ये खट्टर साहब है, फर्क है। इसी प्रकार से आज कपास का क्या हुआ, कपास का क्या भाव था, आप कोई चीज का भी देखो, आज किसान बर्बादी के कगार पे, 5 साल हो गए, 5 साल पहले भाई पीछे बात मत करो, पीछे बात मत करो, तमाशा करता, पीछे बात, 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने 154 वायदे किए लोगों से, लोगों को बहुत आशा थी। मैं भी ये सोचता था कि पहली बार सरकार बनी है और इन्होंने 154 वायदे किए हैं, ये जरूर जो कुछ ना कुछ वायदा करेगी, पूरा करेगी। लेकिन आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 154 में से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। क्या वायदा था भाई किसानों के लिए, क्या वायदा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन का भाव देंगे, तुमने भाव मिले भाई? बल्कि किसान आज बर्बादी के कगार पे है, लागत बढ़ा दी, आमदनी घटा दी, आमदनी घट गई। हमारे टाइम में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे टैक्स था और डीजल पूरे उत्तर भारत में सबसे सस्ता हरियाणा में था। आज डीजल का क्या भाव है भाई? आप जो कट्टा 800 का था हमारे टाइम में खाद का, आज के भाव हो गया, और जो स्प्रे जिसमें 200 रुपए एकड़ में ला क्या करते हैं, आप कितने में ला गए हैं, 1000 को पार कर गया, आपके सामने है। तो किसान क्या है, किसान नतीजा क्या हुआ, किसान कर्जे में डूबा, आज पूरे हरियाणा का किसान कर्जे में डूबा। इसी प्रकार से गरीब आदमी,
दलित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, हमने अपने कार्यकाल में 3,82,100 गज के प्लॉट दिए भाई, और 10 लाख पानी के कनेक्शन दिए, टूटी समेत 200 लीटर की टंकी दी 10 लाख लोगों को। 5 साल हो गए इस सरकार को, अगर एक भी किसी को प्लॉट दिया हो पूरे हरियाणा में तो उसका नाम बता दो और गांव बता दो भाई, मैं चुनाव छोड़ दूंगा। पूरा कलायत हल्का बैठा है भाई, किसी को प्लॉट दिया, किसी को पानी की टंकी दी, बल्कि जो उनकी स्कीम चला रखी थी हमने गरीब आदमी के लिए, दाल रोटी की स्कीम, उसमें भी घपला कर दिया, दाल भी बंद कर दी, 2 किलो चीनी दिया करता उसमें तो भी 1 किलो कर दी, 3 साल तो दी ही नहीं गरीब आदमी को। जो बच्चों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट है उनके बच्चों के लिए, दलित के बच्चों के लिए हरियाणा पहला प्रदेश था जब पहली जमात से वजीफा शुरू किया था, उसमें भी घोटाला कर दिया, उसमें भी हो गया। जो भी स्कीम चली वो देखा भाई, एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारियों का क्या वायदा था कि हम पंजाब का वेतनमान देंगे, लेकिन पंजाब का वेतनमान बराबर देना दूर, जो 7वें 7वें पे कमीशन का जो एचआरए बनता है वो भी हड़प गए कर्मचारियों को, 6,000 करोड़ बकाया है, दे नहीं रहे। ये कर्मचारियों की स्थिति है। व्यापारियों से पूछ लो आप, वो कह भाई हम तो अपनी पूंजी खान लग रहे हैं, मारा मुनाफा तो गया दूर, अब टीडीएस काटते हैं 1 करोड़ से, वो तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं तो मोटी मोटी बात समझाऊं इन्हें, जो इस बात समझ में आओ इनके। तो वो कहता भाई मैं क्या बात होगी, बोला हम तो अपने पूंजी खा रहे हैं, क्या होता है, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, टैक्स पे टैक्स, कभी कह गए 1 करोड़ से ऊपर 2% जीएसटी काटेंगे, इस किस्म का हाल माहौल हो गया। और कानून व्यवस्था भाई बिल्कुल चरमराएगी। कद्दे अखबार पढ़ लो आप, कद्दे टीवी देख लो, क्या खबर मिलेगी, आज हरियाणा में 3 कत्ल रोज की औसत आ रही है, 5 बलात्कार आ रहे हैं, 7-8-9 फिरौतियां आ रही हैं, और ये पेट्रोल पंप पर बैंकर लूटा पुट्टी की तो कोई गिनती नहीं। आज कोई भी भाई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता, बूढ़े बुजुर्ग हमारे घर में सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं, ऐसा हो गया जैसे सरकार नाम की चीज ही नहीं है, तमाशा कर रखा कोई सरकार ने। तो इस प्रकार से है आपके सामने। अब सवाल आता भाई, इन्हें तो जो करना था कर लिया, इन्हें तो जो हरियाणा प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रतिवर्ती निवेश में, प्रति व्यक्ति विकास में नंबर 1 था, आज कहाँ है हरियाणा पता है? मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े, सर्वे के आंकड़े हैं। आज अपराध में नंबर 1 है हरियाणा, आज बेरोजगारी में नंबर 1। बेरोजगारी कितनी फैल गई, 2012 में हमारी 2.8 थी, आज बढ़कर 28% हो गई, 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, लाखों बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए। आज बिल्कुल ऐसे हम जगह पहुंच गए, पूरे देश में हरियाणा सबसे नंबर 1 पर है बेरोजगारी में, यह परिस्थिति। अब सवाल आता है कि भाई इनका तो देख लिया, सवाल अब आप हमारे से भी पूछोगे भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे? आज आपने देखा भाई हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, कपास का क्या भाव मिल रहा है भाई, किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही, एमएसपी भी नहीं मिल रही, और नारा देंगे 75 पार, सुना था ये नारा ना? एक बात में ठीक कह रहे हैं ये, 75 पार क्या में करेंगे, प्याज की कीमत 75 पार, टमाटर 75 पार, डीजल 75 पार, और डॉलर 75 पार, 75 पार यो करेंगे। तो अब ये 75 पार करेंगे तो तब क्या करोगे, तुम इनको पार करो जब बात बनेगी, अगर अपने बच्चों का और किसान का भविष्य समझना है। आज किसान कोई भी लगा लो, हर वर्ग
परेशान है। आपको याद होगा 2005 में जब हमारी सरकार बन गई तो कानून व्यवस्था ऐसी हालात थी, जेलों से सरकारें चल रही थी। मैंने बंद तय कह दिया था कि 2 महीने के अंदर बदमाश गुंडे भाई हरियाणा छोड़ जाओ। छोड़ गए थे कि नहीं छोड़ गए थे? 10 साल शांति से रहा हरियाणा। आज फिर मैं कह के जा रहा हूं हमारी सरकार बन गई तो 2 महीने में गुंडा ने बाहर कर देंगे, हरियाणा में नहीं रहने देंगे, शांति से रहना, 36 बरादरी एक रहना। इनकी देख ली भाई जयप्रकाश ने कहा, ठीक कहा। 3 बार हरियाणा जलाने का काम किया इन्होंने, और प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पढ़ोगे आप तो उसने साफ लिखा है कि जवान और माल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी। भाई 66 में हरियाणा बना, 66 से लेकर 2014 तक 80 आदमी गोली से नहीं मरे, जो 14 से लेकर अब तक 80 से भी ज्यादा आदमी गोली से मरे, यहां भी 75 पार कर गए, 80 से ज्यादा गोली। अरे आंदोलन आप हो, हमारा साक्षी हो, आंदोलन ऐसे आंदोलन हमारे टाइम में इससे भी बड़े बड़े हुए थे, कोई जान मान का नुकसान होने दिया हमने? अरे ने कितना नुकसान किया, कितने जाने गई, कितना माल गया लोगों का। तो या तो सरकार भाई बेकार सरकार है, काम की सरकार नहीं, तो इसको तो बदलने का समय आ गया। और आज मैं यही आपसे निवेदन करने आया हूं कि करवट यहीं से लेंगे। और भाई पांच सात जेपी तो है, 5-7 जेपी जिसे और बना बन गए ना हरियाणा में, फिर थारा राज जरूर आ जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। और एक बात और कह के जा रहा हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। पहला घोषणा पत्र उठाकर देख लो, दूसरा देख लो, जो कहा वो किया, उस तो बढ़ के किया। घोषणा पत्र में बिजली के बिल माफ नहीं थे, 1600 करोड़ के बिजली एक कलम से माफ करे हमने। किसान का जो फसली ऋण है उस पर ब्याज कितना था हमने उसके ऊपर 0% करा, 0% आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे काम किए, मैं लंबी का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूं, जो आज हम कहेंगे वो करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते 24 घंटे के अंदर अंदर हरियाणा के किसान का, गरीब आदमी का, भूमिहीन का कर्जा माफ करेंगे हम।